हर हर पीढ़ी में से इस तरह के लोग निकले, महाराजा। और थोड़ी तवज्जो रणजीत सिंह जी पे भी दो, ज्ञान बताओ लोगों से। मैंने रणजीत सिंह जी पे जितनी किताबें उपलब्ध हैं सब पढ़ी। इतना ताकतवर राजा था, जबकि 7% सिख थे पंजाब में सिर्फ, कि अंग्रेज को ये संधि करनी पड़ी कि सतलुज से परे हम नहीं जाएंगे, सतलुज से इधर तुम नहीं आओगे। एक बार ये जितने जींद और पटियाला हैं, ये अंग्रेजों की वो थे, प्रोटीज थे, अंग्रेज इनको सपोर्ट करते थे। तो एक बार पटियाला की रानी का अपने हस्बैंड से झगड़ा हो गया, रणजीत सिंह की रिश्तेदार थी, उसने चिट्ठी लिख दी कि आके हमारा फैसला करा दो। रणजीत सिंह जी फौज लेके पटियाला आ गए। पटियाला नरेश ने डलहौजी को लिखा कि साहब ये तो संधि का उल्लंघन है, ये तो सतलुज से इधर आ गया है, इसको तो हमला माना जाना चाहिए। डलहौजी ने लंदन में पूछा कि क्या करूं। लंदन ने डलहौजी को कहा कि छेड़ मत, 8-10 दिन में चला जाएगा, वरना छेड़ने में पूरा राज भी जा सकता है। इतनी उसकी ताकत थी, इतनी उसकी दहशत थी। तो आप